झज्जर जिले में H3N2 वायरल के 5 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। शाम तक इन मरीजों की रिपोर्ट आने की उम्मीद है। हालांकि H3N2 वायरल को लेकर झज्जर पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। वायरल से ग्रसित लोगों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। झज्जर जिले के तमाम अस्पतालों में ICU बेड और ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, झज्जर के नागरिक अस्पताल में एक 10 बेड का विशेष वार्ड भी H3N2 वायरल से ग्रसित मरीजों के लिए तैयार किया गया है। अच्छी बात यह है कि अभी तक झज्जर जिले में इस वायरल से प्रभावित कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। झज्जर जिला के जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने बताया कि 5 मरीजों में H3N2 वायरल के लक्षण स्वास्थ्य विभाग को दिखाई दे रहे थे, इसी वजह से इन मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। उन्होंने लोगों से वायरल को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि अगर किसी व्यक्ति को इस वायरल के लक्षण दिखाई दे तो वह घबराए नहीं बल्कि डॉक्टर से उचित परामर्श ले ताकि समय रहते इलाज मिल सके। उन्होंने लोगों से एक दूसरे से दूरी बनाए रखना और फिजिकल कॉन्टेक्ट में आने से बचने की अपील की है। झज्जर जिले के CMO डॉक्टर ब्रह्मदीप का कहना है कि अभी अभी पूरा देश कोविड की लहर देखकर आगे बढ़ने लगा है। ऐसे में इन्फ्लुएंजा लाइक वायरल H3N2 वायरल ने देश में एक जगह दस्तक दी है। ये H1N1 यानी स्वाइन फ्लू जैसा ही एक वायरस है। इसके इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। डॉक्टर ब्रह्मदीप का कहना है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो नियम बनाए गए थे, H3N2 से बचने के लिए भी उन्हीं नियमों को पालन करना होगा, यानी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, चेहरे पर मास्क लगाने जैसे उपाय करने होंगे, तभी हम H3N2 वायरस के संपर्क में आने से बच सकते हैं। इस बीमारी से बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। CMO डॉक्टर ब्रह्मदीप का कहना है कि बदलते मौसम में वायरल सामान्य बीमारी है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, बार बार अपनी आंखों व नाक को न छुए, खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह को ढककर रखें, खुले में सार्वजनिक स्थान पर न थूके, बुखार या बदन दर्द होने पर अपने डॉक्टर की सलाह लें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई न लें। पैनिक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन से, सावधानियों से इससे बचा जा सकता है। दिल्ली से सटा हुआ है सर, तो जिला प्रशासन की जो जिम्मेवारी है वो बढ़ जाती है, तो इस तरह की टीमें कोई अलग बनाई गई हैं या कोई? इसके लिए अलग से एक तो फ्लू सेंटर OPD अलग से शुरू कर दिया गया है, और जहाँ से भी जैसे जैसे इसके आगे सस्पेक्टेड केसेस की संख्या में जो परिवर्तन आएगा उसके मुताबिक आगामी स्टेप लिए जाएंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ यही है कि प्रिकॉशनरी तौर पर हमने एक आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया है, और जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उनसे भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है कि कितने लोग इस तरह के सिम्टम्स लेकर के आए हैं, तो उन्हें उम्मीद है कि इसको हम अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे। सख्ती भी दिखाई जाएगी है जी, अगर कोई मानता नहीं है तो प्रशासन की तरफ से सख्ती भी दिखाई जाएगी? वो परिस्थितियों के अनुसार उसको देखा जाएगा, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, कोविड के समय के बाद से हर नागरिक अब जागरूक है, अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जानता है, और अब तो हम काफ़ी समय से कोविड के काल के बाद से तो हम इतने अलर्ट हो ही गए हैं कि एक समय था जब सभी लोगों ने नमस्कार को ही अपना अभिनंदन स्वीकार कर लिया था और हाथ वगैरह मिलाने से गुरेज करते थे, बचते थे, मास्क वगैरह भी लगाते थे। अब भी काफ़ी संख्या में मैंने देखा है लोगों को मास्क यूज करते हैं। प्रिकॉशनरी है, लेकिन प्रिकॉशन सावधानी जो है हमेशा इलाज से बेहतर। कोई मरीज आया है या नहीं है, हमारे पास टेस्टिंग सुविधा है या नहीं? जी, H3N2 के बारे में बताना चाहूँगा। एक लोगों के मन में कोतूहल है कि ये किस प्रकार का नया वायरस आ गया, तो ये कोई नया वायरस नहीं है। इन्फ्लुएंजा का नाम हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, सीजनल इन्फ्लुएंजा ए ये वायरस है, उसी का सब टाइप ये H3N2 है। और इस तरह के केस जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों में निकल रहे हैं। जब खतरे की बात जब हो जाती है, जब कोई वल्नरेबल पॉपुलेशन यानी कि किसी कमज़ोर व्यक्ति को, बुजुर्ग को या छोटे बच्चे को, या ऐसा कोई व्यक्ति जो कि किसी क्रोनिक इलनेस से पीड़ित है, उनको ये बीमारी लग जाती है, तब ये समस्या पैदा करती है। उनको जीवन का खतरा भी हो सकता है या उनकी मोर्टलिटी, मॉर्बिडिटी का खतरा बढ़ जाता है। बीमारी है क्या, इसके लक्षण क्या है, पहले ये जानना आवश्यक है। कफ होना, बलगम बार बार आना, सांस लेने में दिक्कत होना, हल्का बुखार महसूस होना, शरीर में थकावट महसूस होना, उल्टी का मन होना, इस प्रकार के लक्षण आमतौर से पाए जाते हैं, जो कि हम जिसे हम कहते हैं कि वायरल बुखार है, वैसे वायरल, सीजनल वायरल जो होता है वैसे ही लक्षण इसके अंदर पाए जाते हैं। जिले की तैयारी की बात अगर करें तो जिले की तैयारी के तौर पर फ्लू OPD शुरू की गई है 2 स्थानों पर, सिविल हॉस्पिटल
जो मेन है झज्जर का वहाँ पर, और सब डिविजनल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में भी ये सुविधा उपलब्ध की गई है। आइसोलेशन का इसके अंदर एक स्टेप रहता है कि लोगों को आइसोलेट किया जा सकता है जिससे कि बीमारी एक से दूसरे में ना फैले। वैसे तो जरूरी बात यह है कि उसे जल्दी पहचान लिया जाए बीमारी को, और अगर पहचान लेते हैं तो उन्हें आइसोलेट कर लिया जाए। अगर बीमारी के इलाज के लिए एडमिट करने की आवश्यकता रहे तो आइसोलेशन वार्ड सिविल हॉस्पिटल झज्जर में 10 बेड का इसके लिए आरक्षित किया गया है, जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा है, संबंधित दवाइयाँ रखवाई गई हैं, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। अभी तक लकीली कोई भी पेशेंट हमारे ज़िले में नहीं निकला है। लेवल ऑफ सस्पिशन हाई है, किसी को भी इस प्रकार का शक रहता है तो हम उसका सैंपल लेते हैं। सैंपल के लिए जो हमारी लैब है वो गुड़गांव की लैब इसके लिए चिन्हित की गई है। हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने ज़िले के अंदर भी इस प्रकार की लैब तैयार कर ली जाए। कुछ सैंपल्स आज लिए गए हैं जिनके अंदर डाउट था, अभी तक किसी का पॉजिटिव आने की खबर नहीं है। साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ आदतें जो हमने कोविड के समय पर सीखी थी उनको इस समय पर भी अगर हम बरकरार रखते हैं तो वो हमें लाभदायक रहेंगी, जैसे कि जेब में रुमाल रखना, मुंह पर मास्क रखना, 2 गज की दूरी रखना, छींक आने पर कोहनी में छींकना, अगर हाथ में कुछ ऐसा लग जाता है तो समय पर हाथ धो लेना, और एक और बात कि दूर से ही नमस्ते करना, जो बार बार हाथ मिलाने वाला पार्ट है वो भी एक से दूसरे पर बीमारी को स्प्रेड करता है। इस प्रकार के